चैलेंज है, जिम्मेदारी है, रिस्क नहीं कहूँगी। रिस्क कोई भी फिल्म डायरेक्ट करना होती है। चैलेंज इसलिए क्योंकि एक असली सही असली कहानी पर, असली हादसे पर आधारित है। चैलेंज इसलिए क्योंकि ये स्क्रिप्ट लिखी गई है विशाल भारद्वाज जैसे माननीय लेखक और फिल्म मेकर से, और चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी मतलब बहुत ही ऊंचे स्तर पर उन्हें माना जाता है एज परफॉर्मर्स, और ये सब एक दूसरे से पहले काम कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। इसमें मैं न्यू कमर हूँ, तो इन सब का भरोसा पाना चैलेंजिंग था। जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि कहानी जो है वो एक रियल हादसे पे आधारित है। इसमें जो पात्र हैं वो जिसके ऊपर ये लोग जिन लोगों के ऊपर ये पात्र बेस्ड हैं वो जीवित हैं, और किसी को ऑफेंड ना करें, ये फिल्म किसी को भी ऑफेंड ना करे, किसी की सेंसिबिलिटी को ऑफेंड ना करे, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मतलब मैं विशाल जी को जानती हूँ उनके पापा के साथ जो रिश्ता है उसकी वजह से, वो मतलब उनका जो प्रोफेशनल एसोसिएशन वो तो है, लेकिन इतने साल जब आप साथ काम करते हैं तो यू बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली। वो मतलब मेरी तरह मेरे भाई की तरह हैं, और हालांकि हमने प्रोफेशनली कभी एक साथ काम नहीं किया, लेकिन उम्मीद कई सालों से रही, कई स्क्रिप्ट्स पे हमने डिस्कशंस भी की, और खुशकिस्मती है कि अब जाके ये बात मुकम्मल हुई है। नहीं, मैं अपने बच्चे को संभाल रही थी। पिछले 5 साल मैंने मतलब मेरा बेटा पैदा हुआ और उसके साथ मुझे अपना वक्त उसे देना था, वो भी मेरे लिए ज़रूरी है फिल्म बनाने के साथ साथ। तो जो वक्त की आप बात कर रहे हैं उसकी वजह ये है, एक बार जब फैसला कर लिया कि ठीक है बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी परवरिश पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा अगर उसकी माँ वापस काम पे चली जाए, तब जब ये फैसला लिया कि ठीक है अब फिल्म बनानी है, तो उन्हीं बातचीत के दौरान तलवार का सब्जेक्ट, कई सब्जेक्ट्स में से इसका भी जिक्र हुआ, और फिर तब मैंने कहा कि नहीं अगर फिल्म बनानी है तो मैं इस पर ज़रूर बनाना चाहूँगी। हमने तो वो भी किया है, और फिर वही माँ अपनी बेटी के मर्डर के बाद हस्बैंड को हेल्प कर रही है क्राइम सीन की सफाई में, तो वो भी है। तो दो धारी है ये फिल्म तलवार की तरह। एक्चुअली आसान नहीं होता ये सब करना, क्योंकि लाश हमेशा उस 14 साल की बच्ची की ही होती है, मर्डरर कोई भी हो या उस 50 साल के आदमी की। लेकिन इसी वजह से ये कहानी पर फिल्म बनाना भी ज़रूरी ही है, इन्हीं वजहों की वजह से। दो वर्जन हैं, तीन इन्वेस्टिगेशन हैं, लेकिन वर्जन दो। इस मुद्दे पे चर्चा अभी तक इसीलिए जारी है क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात पूरी हुई नहीं है, या पूरी तरह से इंसाफ हुआ नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जितने सारे जवाब हमको मिले हैं वो पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं है। जब इस तरह की शंकाएँ होती हैं तभी जाके मामला चर्चे में रहता है ना, तो नेचुरली ये सब चीज़ें हैं लोगों के जहन में, इसीलिए हम अभी भी इसके बारे में चर्चा करते हैं। गुलजार साहब की जो पार्टिसिपेशन थी वो कम ही रही, बिकॉज ही रिमेन्ड एट द लेवल, क्योंकि बिकॉज ही डिडंट कंट्रीब्यूट इन द राइटिंग, ही डिडंट कंट्रीब्यूट इन द डायलॉग और द स्क्रिप्ट, ही वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ऑन द लिरिक्स। जो भी मतलब फिल्म के शूट कम्प्लीट होने के बाद हमने गानों पर काम किया, क्योंकि इसमें लिप सिंक वाले गाने तो थे नहीं। इस कास्टिंग के प्रोसेस में विशाल जी, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हनीत रेहान और मैं, हम तीन ज़्यादातर इस पर डिस्कस करते थे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि नाम सबके दिमाग में वही आते थे हर एक कैरेक्टर को लेके, चाहे वो इरफान खान हो, चाहे वो कोंकणा हो, चाहे वो नीरज कभी हो, चाहे वो इस फिल्म में बाकी जितने मतलब इस्टीम्ड एक्टर्स हैं, अतुल कुमार हैं, गजराज राव हैं, सोहम शाह हैं, बहुत सारे मतलब एक्टर्स हैं इस फिल्म में जो दे आर वेरी वेरी एस्टेब्लिश्ड इन देयर ओन राइट। ये सारे जो हैं ये बहुत ही यूनानिमस डिसीजंस थे, तो क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फैक्शन होती थी ये जान के कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। और आसानी सब मतलब खुशकिस्मती इस बात की थी कि जिस एक्टर के पास हम गए जिस भी कैरेक्टर के लिए उन्होंने हाँ कर दी, और हमें उसके सेकंड ऑप्शन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
उन्होंने फिल्म देखी, हम जब टोरंटो के लिए प्रिंट तैयार कर रहे थे तो सबटाइटल प्रिंट चेक करना था, तो उस वक्त मैंने उन्हें फिल्म दिखाई। बहुत ही ही वॉज वेरी मूव्ड बाय द फिल्म। काफ़ी देर तक बात नहीं करना चाह रहे थे वो, और मैं कुरेद रही थी कैसी लगी, क्या गलत है क्या सही है, बट ही डिडन्ट वॉन्ट टू स्पीक। बट वट ही सेज इज़ दैट इट्स अ, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने बनाई है, बट क्योंकि इसकी कहानी ऐसी है जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सिनेमा के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 7 साल की और छुट्टी नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात तो ये है। अभी एक्चुअली सोचा नहीं है, इस फिल्म में मेरी ज़िंदगी का काफ़ी वक्त, 3 साल हमारी ज़िंदगी के लग गए हैं, तो उसे उतारना बहुत आसान नहीं होगा, और वक्त थोड़ा लगेगा, बट करेंगे कुछ और करेंगे।